हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीड स्क्रिप्ट। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज्यादा कॉमन होने वाला है। द थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ माई हैंड, हाउ टू हैंडल। ओवरवेलमिंग हो रहा है बहुत ज्यादा, नहीं समझ में आ रहा है एफिशिएंटली कैसे चीजों को प्रोसीड करें। कृपया इस चीज को लेकर हमें गाइड करें। तो मैं व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ में, तो बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो मैक्सिमम लोगों के लिए कॉमन है। तो आई विल ट्राई टू फॉर्म वीडियोस ऑन द सेम सो दैट सबको हेल्प हो जाए। इवन इफ आप एजी का पार्ट हो या नहीं हो, आपको एक गाइडिंग हैंड मिल जाए कि भाई क्या करना है, कैसे इफेक्टिवली आप अपना प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आपके स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स नहीं है कि आप ये सोचो कि मैंने पूरा सिलेबस कर लिया, Now I am done with the syllabus, now I can proceed with the mocks and I will be able to score very good in the mocks. ऐसा नहीं होने वाला। Syllabus completion aptitude exams के लिए एक myth है। आप जितना जल्दी ये चीज़ को समझ लोगे उतना अच्छा होगा। बहुत सारे students syllabus completion का चीज़ अपने mind में रखते हैं और कभी भी syllabus उनका complete नहीं हो पाता and वो कभी भी confident नहीं हो पाते कि मैं mocks अपने start कर लूँ and they will keep on delaying their mocks, which is not a good thing to do. आपने एक लेवल पे अपना सिलेबस कर लिया, दैट इज फाइन। नाउ यू शुड मूव टू द मॉक्स, मॉक दोगे, उसका एनालिसिस करोगे एंड यू विल प्रोसीड फर्दर। आपके ये बोर्ड एग्जाम नहीं है कि भाई मैम ने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दिया, ये बता दिया, वही पेपर में आ जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू स्कोर वेल। ऐसा एप्टीट्यूड एग्जाम में नहीं होने वाला। तो पहले तो ये चीज को साइड लाइन कर दो कि भाई मैं अपने पास जो टाइम अवेलेबिलिटी है उसमें जो बेस्ट एफर्ट्स दे रहा हूं मैं वो देने का ट्राई करूंगा एंड उसी के थ्रू मैं अपने मॉक्स एंड एनालिसिस एंड सारी चीजें मैं वो करूंगा। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा कॉमन ट्रिगर्स क्या क्या हैं जिसकी वजह से चीजें जो है वो आउट ऑफ हैंड जा रही हैं, क्यों हम लोग परेशान रह रहे हैं अननेसेसरी। तो कॉमन ट्रिगर्स में सबसे पहला पॉइंट तो आ जाता है यार, स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा है, कैसे कंप्लीट करें। सेकंड पॉइंट आ जाता है फेयर ऑफ फेलर है जी, अगर ना हुआ तो क्या। थर्ड पॉइंट है जी कंपेरिजन, मेरे साथ वाले का आ रहा है, हम लोगों ने साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, वो मुझसे पहले थोड़ा सा किया या मुझसे बात किया फिर भी उसके स्कोर ज्यादा आ रहे, मेरे नहीं आ रहे, क्यों, मेरे में क्या गड़बड़ है। फोर्थ है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, जो चारों के चारों पॉइंट्स कवर करूंगा। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी एक जस्ट दे दिया है, टू मच स्टडी मटेरियल, भाई क्या करूं। कैट के लिए जितना भी आप पढ़ोगे कभी भी वो इनफ नहीं होगा, आप अपने एंड से बेस्ट पढ़ने का ट्राई करोगे। कभी भी गिल्ट में मत रहना कि यार मेरे पास 10 चीजें अवेलेबल है, मैं 10 नहीं कर पा रहा, मैं 7 ही कर पा रहा हूं। भाई 7 कर रहा है ना, 7 कर रहा है ना, वो चीज को अगर अच्छे से कर रहा है तो 7 चीज से भी तो बहुत अपना अच्छा भला कर पाएगा। 10 की 10 को अपने सही वे में ना कर पाया, बस नाम के लिए 10 की 10 कर ली बट सही वे में ना हुआ, तो उसका कोई बेनिफिट भी नहीं है। एप्टीट्यूड एग्जाम में कोई सेट सिलेबस नहीं है कि भाई इतना करेगा तो उतना आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अपने एंड से मैं जितना मैक्सिमम दे सकता हूं उतना देने का ट्राई करूंगा। अब मे भी कोई बंदा ऐसा हो जो यार 1000 पजल्स बना के बैठा है, हाँ जी, कोई एक ऐसा होगा जो 500 पजल्स बना के बैठा है, तो क्या 1000 वाले का स्कोर ज्यादा ही आएगा 500 वाले से? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दो। आप कोई भी स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हो, आप ईजी का पार्ट हो, ईजी का पार्ट नहीं हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपके पास में अगर एक्स मटेरियल अवेलेबल है, अगर आप एक्स पूरा ना करते हुए एक्स का 70% 80% कर पा रहे हो, दैट इज अ वेरी गुड नंबर। आपको अपने एंड से जितना टाइम अवेलेबल आपके पास है उसमें बेस्ट एफर्ट देने का ट्राई करना है। आप सारा ना कंप्लीट कर पाओ, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। अपने दिमाग को, अपने दिल को ये चीज समझा लो और अननेसेसरी रात को सोने से पहले गिल्ट में मत रहो कि भाई मेरा कंप्लीट नहीं है मैं क्या करूं। गिल्ट में जाकर, प्रोक्रास्टिनेशन में जाकर आप अपना टाइम और बर्बाद कर रहे हो, जो टाइम में आप पढ़ सकते हो वो नहीं पढ़ पा रहे हो, क्या फायदा है उस चीज का। तो प्लीज ये चक्कर से बाहर आ जाओ भैया, स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा है। स्टडी मटेरियल जो है आप जितना आपके पास अवेलेबल है आप उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करने का ट्राई करो, दैट इज ऑल, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सेकंड पॉइंट आता है फेयर ऑफ फेलियर, भाई नहीं हुआ तो क्या, भाई नहीं हुआ तो जिंदगी थोड़ी खत्म हो जाएगी। हम लोग अपने लिए बेस्ट एफर्ट डाल के अपने लिए स्कोर लाना चाहते हैं, मे बी वो स्कोर अच्छा आ जाए, बट अगर ना आ पाया, आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, देयर आर मल्टीपल एग्जाम्स, चाहे वो कैट हो, स्नैप हो, एनमैट हो, जैट हो, माई कैट हो, मल्टीपल एग्जाम्स हैं। अगर आप अपने लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत हाई चांस है कि आप कोई ना कोई एक एग्जाम जो है वो फोड़ दोगे। मान लो नहीं कर पाए, भाई नेक्स्ट ईयर का ऑप्शन है, जॉब का ऑप्शन है, कोई भी पर्सन अगर अपने लिए बेस्ट एफर्ट्स डाल रहा है तो उसका ग्रोथ कभी भी रुकता नहीं है। आप अपने आसपास में देख लो, जो भी पर्सन अपने लिए एफर्ट्स डाल रहा है, क्या उसका प्रिपरेशन और उसका लाइफ जो है वो रुक गया? किसी का नहीं रुकता। आप अपने लिए एफर्ट डाल रहे हो, आपका पॉइंट ये है कि यार मैं अपने लिए बेस्ट एफर्ट डाल रहा हूं, बाद में मुझे ये गिल्ट ना रहे कि यार मैंने सही से पढ़ा नहीं था। आपका प्रिपरेशन अच्छे से किया होना चाहिए, रिजल्ट जो भी होगा, कहना बहुत ईजी है कि रिजल्ट के बारे में ना सोचो, जो भी आउटकम होगा देखा जाएगा, बट डिफिकल्ट है। मैं समझता हूँ ये चीज़ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है रिजल्ट के बारे में ना सोचना, बट सोच के हम अगर अपनी प्रिपरेशन को खराब कर रहे हैं तो सोचने का बेनिफिट क्या है। तो प्लीज़ उस चक्कर से हटके जो ग्राउंड रियलिटी है, जो आपको पढ़ना है, अपना एप्टीट्यूड बिल्ड करना है, उसके ऊपर फोकस करिए, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। थर्ड थिंग इज कंपैरिजन, भाई किसी का एप्टीट्यूड लेवल क्या है, किसी का क्या है। जो आपका फ्रेंड है जिसके साथ अपना कंपैरिजन कर रहे हो, मे बी वो उसको पहले से आती थी चीज़ें यार,
मे बी वो लास्ट ईयर दे चुका था, मे बी वो कॉलेज के टाइम पे थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर चुका था। तो हर एक स्टूडेंट का अपना प्रोसेस है। मे बी आपका अल्जेब्रा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका अरिथमेटिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पेपर में अल्जेब्रा थोड़ा सा ज्यादा आ गया, उसको एडवांटेज मिल गया या आपको एडवांटेज मिल गया, ये तो चलता रहेगा। आप अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से जितना टाइम है उसमें बेस्ट एफर्ट्स देने वाले हो, आप अपने आप से ये प्रॉमिस कर लो और आगे अपना स्टेप्स जो है वो प्रोसीड कर लो। फोर्थ पॉइंट, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। इसका लेना देना ये है कि भाई मेरा मॉक में स्कोर आ रहा है 20, मैं चाहता हूँ 100, मैं एफर्ट जो मुझे 20 to 100 जाने के लिए चाहिए मैं लगा ही नहीं रहा यार, मैं अपना स्कोर 5x करना चाहता हूँ, मैं एफर्ट्स तो लगा नहीं रहा भाई, मैं कुछ एक्स्ट्रा तो पढ़ नहीं रहा, तो प्रॉब्लम है ना। कृपया इस चीज पे ध्यान दो, अननेसेसरी चीजों को डिले ना करके अपनी एफर्ट्स को बढ़ाओ, जितना टाइम दे सकते हो उतना टाइम दो, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो। एक मॉक में 20 आया तो अगले मॉक के लिए टारगेट रखो यार 25 से 30 तक लेके जाना, दो दो तीन तीन क्वेश्चन पढ़ाते हैं। ये नहीं कि एक पेपर में 20 आ रहा है मैं सोचू 80 लेके कैसे आ जाऊं, भाई नहीं जंप होगा ना, भगवान थोड़ी नीचे आके बैठ जाएंगे तुम्हारे साथ पेपर देने कि अगर तुम गेस वर्क कर रहे हो तो सारे ही गेस वर्क अच्छे से लग जाए। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो कि भाई अगर 20 आ रहा है दो तीन नंबर बढ़ाते हैं हर एक सेक्शन में, आपका 3 से 6 से 9 नंबर बढ़ेगा एक सेक्शन टोटल पेपर के अंदर, धीरे 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 आपका लेवल बिल्ड होगा। ये ग्राफ ऐसा जाता है जी, ये ग्राफ ऐसा नहीं चला जाएगा कि एक मॉक के बाद में ये स्कोर आपका पहुंच जाए, नॉट गोइंग टू हैपन। तो अननेसेसरी ये चीज को सोच के अपने प्रिपरेशन को खराब मत करो। ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट अपने मार्क्स जो हैं इसी तरीके से लेकर जाता है, कई बार वो नीचे भी गिरेगा, कई बार फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर ऊपर नीचे, ये चलता चला जाएगा अगर उसका प्रिपरेशन स्टाइल अच्छा है, अगर वो बहुत ज़्यादा सोच में नहीं डूबा रहता, एक्चुअल रियल वर्ल्ड में रहकर रियल वर्ल्ड सिनेरियो को समझते हुए अपनी एफर्ट्स जो है वो लगाता है। देन प्रैक्टिकल टिप्स भाई, स्टडी प्लान बना लो। स्टडी प्लान कोई भी हो सकता है, आपको DLR में ज्यादा दिक्कत है आप DLR में ज्यादा टाइम दोगे, क्वांट्स में ज्यादा दिक्कत है वहां पे ज्यादा टाइम दोगे, VRs में ज्यादा दिक्कत है तो ऑटोमेटिकली आप वहां पे टाइम दोगे। स्टडी प्लान एक बना लो कि भाई मैं मोटा मोटी स्टडी प्लान बनाना, ये नहीं कि मैं 5-5 मिनट का आप शेड्यूल बना के रख लो कि भाई इतने टाइम में मैं यही करूंगा वही करूंगा, वो कंप्लीट हो नहीं पाएगा क्योंकि उतना ज्यादा टाइट शेड्यूल बना लोगे फिर बाद में फिर से गिल्ट आएगा कि यार कंप्लीट नहीं किया। तो स्टडी प्लान मोटा मोटी बनाओ कि यार इस टाइम तक इस डेट तक मुझे ये कंप्लीट करना है, ट्राई करो तब तक वो कंप्लीट हो जाए। अगर वो पूरा कंप्लीट नहीं भी होता 70-80% इज ऑल्सो अ वेरी गुड नंबर, अगर आप उस स्टडी प्लान का 70-80% अचीव कर पाते हो बहुत अच्छा नंबर है, अगर 50% आप अचीव कर पा रहे हो तो गंदा नंबर है। भाई मैं अपना शेड्यूल उस हिसाब से बनाऊंगा कि अगर मैं 100% डाल दूंगा मैं इतना कर सकता हूं, मैं ट्राई करूंगा कि मैं 120% के हिसाब से अपना शेड्यूल बनाऊं, थोड़ा और ज्यादा एफर्ट मुझे डालना पड़ेगा उसको कंप्लीट करने के लिए, फिर उसका 70-80% भी हो गया दैट इज अ गुड नंबर। बिना शेड्यूल के तो वैसे ही समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैं क्या कर रहा हूं। सेकंड थिंग इज प्रायोरिटी। अब आपको पता है क्वांट्स के लिए अरिथमेटिक अलजेब्रा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको ना करते हुए मान लो आप ज्योमेट्री पे बहुत ज्यादा टाइम देने लग गए या परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा टाइम लग गए देने लग गए, फायदा नहीं है। आपको पता है अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा का रोल बहुत ज्यादा है एग्जाम सिनेरियो के लिए, तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाना चाहिए। अब आपका अरिथमेटिक हो चुका है, आपको पता है मुझे अलजेब्रा या ज्योमेट्री या नंबर सिस्टम पे मूव करना है, बट आप अरिथमेटिक ही करते जा रहे हो, दैट इज अ रॉन्ग थिंग। आपको पता है आपके लिए क्या अच्छा है, थोड़ा सा आंखें खोलिए, समझिए मेरे लिए क्या अच्छा है एंड अकॉर्डिंगली उस पर एक्ट करिए। ये नहीं कि मैं वही चीज करता चला जा रहा हूँ जो मेरा आप ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है या मेरे जो वीक पॉइंट्स हैं मैं उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा, दैट इज अ रॉन्ग थिंग टू डू। आपको दिख रहा है आपके RCS में प्रॉब्लम है, आप RCS पे काम नहीं कर रहे हो, आपको DLR में मजा आ रहा है, आप सिर्फ DLR करते जा रहे हो, भाई तीनों सेक्शन में स्कोर लाएगा तो ही तो एडमिशन मिलेगा, एक सेक्शन में बहुत अच्छा ले आया बाकी दो सेक्शन में कुछ भी ना कर पाया तो कोई बेनिफिट थोड़ी होने वाला है। ब्रेक्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ये पॉइंट के रिगार्डिंग लोग बात बहुत कम करते हैं। ब्रेक्स का मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम रात को 1 बजे 2 बजे प्रिपरेशन कर रहे हो और आप बहुत ज्यादा थके हुआ फील कर रहे हो, आपकी एफिशिएंसी नहीं आ रही, तो इट इज बेटर कि भाई आप ब्रेक ले लो, रदर देन आप अपने आपको अननेसेसरी पुश करते जाओ, एफिशिएंसी आ नहीं रहा, टाइम आपको और बर्बाद हो रहा है, उससे बेटर है कि रेस्ट लो, सुबह जल्दी उठो, प्रिपरेशन करो। मान लो सुबह जो है वो आप लेट नाइट तक पढ़ रहे हो, सुबह आप पढ़ रहे हो, आपका प्रिपरेशन हो नहीं रहा, एफिशिएंसी आ नहीं रहा, अननेसेसरी फिर भी लगे हुए, उससे बेटर है भाई थोड़ा रेस्ट ले ले, थोड़ा सा माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, उसके बाद में बेटर एफिशिएंसी के साथ में पढ़ पाएगा। इस चीज़ को हम लोग कई बार बहुत ही ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं, कृपया वो ना करें, बॉडी की लिमिट है वो समझें, वो ठीक है हम अपनी पहले लिमिट्स को पुश करने का ट्राई करेंगे, बट अगर मैं एक लिमिट तक पुश करके थक चुका हूं, उसके बाद मैं नहीं एफिशिएंटली ला पा रहा, चीज़ें और खराब हो रही हैं, गलत क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, दिमाग चल नहीं रहा, तो इट इज़ बेटर कि थोड़ा रिलैक्स करके अपना दिमाग पंप अप हो जाएगा, फिर से मैं बैठ जाऊँ पढ़ने और जिसमें मैं अच्छी एफिशिएंसी के साथ चीज़ों को बढ़ा पाऊँ। प्रोक्रास्टिनेशन भाई क्या करें, प्रोकास्टिनेशन के साथ सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि भाई हम लोगों को मोटिवेशन चाहिए रहता है थोड़ी थोड़ी देर के बाद में, कभी हम यूट्यूब पे घूमते हैं, कभी हम इंस्टाग्राम पे घूमते हैं, और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शायद आप फॉलो करते होंगे, तो हमें कोई ऐसा बंदा बता दे जो ऑलरेडी क्लियर कर चुका है कि उसका स्टडी प्लान क्या है, मैं वही फॉलो कर लूँ एंड वो मेरा फ्रूटफुल हो जाए। बेटा जी अगर 10,000 लोग क्लियर कर रहा है ना तो 10,000 लोगों ने लगभग 5,000 अलग अलग स्ट्रेटजीज फॉलो करी होंगी, हर एक पर्सन की या हर 2 पर्सन की स्ट्रेटजी अलग होगी,
तो हर एक का स्ट्रेटजी हर एक पे एप्लीकेबल नहीं होता। स्ट्रेटजी वही है कि भाई मैं अपने लिए काम करता चला जाऊंगा, जैसे जैसे मैं काम करता चला जाऊंगा मैं अपने आप समझता जाऊंगा कि मेरे लिए क्या एफिशिएंट है क्या एफिशिएंट नहीं है, एंड उस हिसाब से मैं पिक एंड चूज करते हुए आगे बढ़ूंगा। किसी का DLR, किसी का क्वांट, किसी का BERC स्ट्रांग है या वीक है, तो ऑटोमेटिकली उसका स्टडी प्लान उस हिसाब से बनता है। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कहीं से आप सुनते हो वो पिक करने हैं, उसको अप्लाई करके देखना, अगर आपके लिए काम कर रहा कंटिन्यू करो, अगर नहीं काम कर रहा छोड़ दो। ये एक प्रोसेस नहीं है कि भाई अगर मुझे इस पॉइंट से यहाँ तक पहुंचना है तो ये रास्ता है, भाई ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, मे बी ये घूम के रास्ता हो, कुछ भी रास्ता हो सकता है, वो आपका रास्ता आपको खुद निकालना पड़ेगा। देन बात आती है मल्टीटास्किंग की, भाई छोड़ दे, अगर पढ़ने बैठा है मोबाइल का यूटिलाइजेशन बंद कर दे, मोबाइल पे ही पढ़ रहा है तो व्हाट्सएप जो है वो हटा दे, इंस्टाग्राम हटा दे, जब पढ़ने बैठा है तो पढ़ता रहे, अननेसेसरी कुछ और काम मत कर, करता चला जाएगा पता नहीं चलेगा कब 1 घंटे से 2 घंटा निकल गया, 2 घंटे से 4 घंटा निकल गया, टाइम बर्बाद होता जाएगा, एंड ऑफ द डे सोने से पहले बुरा लगेगा, और वो गिल्ट मैं नहीं चाहता आपकी प्रिपरेशन के स्टेज में आपको आए। रात को सोते टाइम आपको अकम्प्लिशमेंट का फीलिंग होना चाहिए कि यार आज मैंने अच्छा किया, आज अपने लिए मैंने बेस्ट एफर्ट्स डाली है, वो पॉजिटिव माइंडसेट जो बनेगा आपका वो आपको मार्क्स के स्कोर बढ़ाने में हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। हम लोग अपना वो माइंडसेट वाली चीज को इग्नोर कर देते हैं, हम लोग कहते हैं ठीक है मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ, बहुत हार्डवर्क कर रहा हूँ, बट अगर मैं अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहा अपनी प्रिपरेशन को लेके, फिर भी मुझे चीजें आती होंगी तब भी मैं एग्जाम में रेप्लिकेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं नेगेटिव ही इतना सोच रहा हूँ अपनी प्रिपरेशन को लेके। तो पॉजिटिव फील करना एट द एंड ऑफ द डे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज के बारे में बात नहीं होती ज्यादा, हम लोग ध्यान नहीं देते, बट एक्चुअल में है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपका एक बार मार्क्स में स्कोर अच्छा आने लग गया ना तो उसकी खुशियों से ही आपका स्कोर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, क्वेश्चन पिक करोगे, तर क्वेश्चन होने लगेंगे, नहीं हो रहा होगा लीव करके आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस होगा, वो चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो कृपया जो टारगेट्स रख रहे हो उनको फॉलो करो, कंप्लीट करो अच्छे से मेहनत करते हुए। हाँ जी जी, कई बारी हमें इतना डाउन फील होगा समझ में नहीं आएगा क्या करें, तो भाई उस टाइम पे क्या करना है, उस टाइम पे बस ये सोच लेना भाई मैंने स्टार्ट क्यों किया था, बस इतना सा पॉइंट क्यों स्टार्ट किया था, ये चीज आपको दोबारा से मोटिवेट करने के लिए, दोबारा से एनर्जाइज करने के लिए बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगी। सोचोगे मैं क्यों करना चाह रहा था, मे बी मैं गंदे कॉलेज से था, गंदे कॉलेज मतलब जहां पे अपना ग्रोथ नहीं हो पाया, मे बी मैंने स्कूल के टाइम पे प्रिपरेशन किया एग्जाम्स के लिए मैं नहीं क्रैक कर पाया, मे बी मैं जॉब में एक्सेल नहीं कर पाया, कोई भी रीजन हो सकता है आपका स्टार्ट करने के लिए, वो जो भी रीजन था उसके बारे में सोचिए क्यों मैंने स्टार्ट किया था, एंड अपनी एफर्ट्स पे लग जाइए। ये आज की एफर्ट्स जो आपको आज रिजल्ट नहीं दे रही है, आने वाले 10 दिन में 15 दिन में 20 दिन में रिजल्ट्स देंगी, यही प्रोसेस है इंप्रूवमेंट का, तो प्लीज इस प्रोसेस पे स्टिक रहिए अगर एक्चुअल में लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, आई होप सो आपको सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आई ट्राई टू गिव द ब्रदरली एडवाइस टू यू, मे बी आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर हेल्पफुल होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आने वाले दिनों में ऐसी और बहुत सारी वीडियोज में अपडेट करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के आते हैं, तो आई विल बी कवरिंग ईच वन ऑफ देम, जो भी छोटे से छोटा क्वेश्चन आपके माइंड में चलते फिरते पढ़ते हुए आ रहा है उसको मैं इस वीडियो में कवर करने का ट्राई करूंगा। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। स्ट्रेटजी सिर्फ वही है, अपना एफर्ट्स हमें जिस टाइम अवेलेबल है उस टाइम के अंदर लगाना है, स्ट्रेटजी ऑटोमेटिकली आपका फॉर्मुलेट होता रहेगा एंड आप अपने स्कोर्स वो बढ़ाते चले जाओगे। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, बाय बाय।